एक नई जॉब शुरू कर, वो ना हो, समझ गए ना, वो ना हो। पर मैंने उन्हें बोला कि है ना मैं होपफुल, तू बच्चा नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है हम दोनों की छुट्टी। गुड मॉर्निंग। और हमने अच्छे बच्चों की तरह हम वॉक करके आए। आज बहुत ही बढ़िया ना धूप निकली हुई है, दिखाता हूँ क्या देखो, अल्टीमेट धूप है। तो थोड़े से रात के चावल, चाय, फ्रेम्स, एक ऑमलेट, इतने में हमारा हो जाएगा। फिर लंच करेंगे आराम से, मस्त कैंड वाला। वैसे तो हम अपना ब्रेकफास्ट ही 12:10 से कर रहे हैं, तो लंच का तो पता नहीं है। और आज हमारा डिनर का भी प्लान है बाहर के अंडे के चक्कर में। और इसने तोड़ दी मेरी ऑमलेट, इसको बंद कर दिया ना। चाय पूरी खत्म होगी तो फिर डाल ले बस, फिर ऑमलेट में टाइम लगेगा अभी। अरे बस होगी भाई, एक अंडे की ऑमलेट ऊपर से तोड़ दी तुमने, हट जा। गाइस मैं देखता हूँ, थोड़ी हेल्प कराता हूँ। ओ घंटा अपने मुझे नहीं चाहिए। तो गाइस ये हमारा बैक एरिया, इधर थोड़ी बहुत गार्डनिंग चल रही है और ये हमने तार बांध रखी है। सो गाइस देखिए सब लोग, ये है हमारी जीरो ऑयल एयर फ्राइड पूड़ियां। अब इसमें ना इसने दो तरीके की बनाई है। आजकल तो जीरो ऑयल चलो चल ही रही है, बट मोड्स ने एक और चीज ट्राई की है। हमने ट्राई किया था कि अगर हम इसको प्लांच की बना, पर अगर मैंने बता दिया तो मेरे वीडियो कैसे देखो। हाँ तो आप वीडियो में देख लो, हमने दो तरीके से बनाई है और दोनों में कोई ऑयल नहीं है। यस, और दोनों में फर्क क्या है और आपको एक पर्टिकुलर मेथड क्यों फॉलो करना है वो आपको मेरी वीडियो देख के पता चलेगा, ठीक है। अभी तो हम ये खा लें जरा। सो गाइस एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज, मैं बताऊंगी गाइस, ये लड़का घोष नाम का लड़का एक नई जॉब शुरू कर रहा है, बहुत ही उम्दा। मतलब अगले हफ्ते से चालू हो जाएगी मेरी, पर मैंने उन्हें बोला कि है ना मैं होपफुली शायद कल पहला दिन अटेंड कर लूंगा ताकि मेरा ऐसे वो ना हो। यस वो ना हो, समझ गए ना, वो ना हो। मैं ना भूल जाता हूँ कभी कभी बोलना कौन सा वर्ड है ऐड करना है, कभी हुआ क्या ना। इसलिए अभी हम रेस्टोरेंट तो जाने वाले थे तो इसलिए अब हम डबल सेलिब्रेशन करने वाले हैं। आज हम डबल ऑर्डर करेंगे चीजें, हर चीज डबल ऑर्डर। फिलहाल हम केसर की चाय पी के सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने ट्राई की केसर की चाय? मतलब एक्चुअल में बड़ी टेस्टी बनती है, मतलब आपको शायद लग रहा होगा मैं फेंक रहा हूँ, बट नहीं सच्ची में। बट सच्ची में बहुत ही उम्दा चाय बनती है केसर की। हाँ भाई बहुत ही उम्दा, जरूर करना ट्राई, लड़के ने बनाई है। और इसी के साथ हम अपनी स्टोरी और हमारी साइड हसल्स और प्रोफेशनल लाइफ वगैरह सब ठीक है आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे ताकि आपको भी थोड़ा पता चले। पर आज की पार्टी तू दे रहा है ना? मैं क्यों दूंगा, जब कोई बच्चे का पेपर अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छा आता है तो वो बच्चे होते हैं, क्योंकि तू बच्चा नहीं है। मैं अभी बच्चा हूँ, मुझे मेल आया कंपनी का, कहते आप सिलेक्ट हो चुके हो, कब से ज्वाइन कर रहे हो, तो अच्छा, मैं क्या मैं अभी कल आऊंगा, पार्टी मैं दे दूंगी, मेरे पति का कार्ड ले जाऊंगी। वाह। सो गाइस देखो अभी ये रो रही है, क्यों? क्योंकि ना ये काफी टाइम से बोल रही है मुझे तो विंडो का लैपटॉप पसंद है, मुझे तो विंडो एंड्रॉइड फोन ही पसंद है। सलामत चलता होना चाहिए ना भाई, तो चलता है। अभी मैं उसके अस्थि पंजर जोड़ूंगी, कोई फिर वो होश में आएगा, फिर वो 2 घंटे बेहोश रहेगा, ऐसे हैंग होता होता चलेगा, चक्कर खाता। सो गाइस वी आर रेडी टू मूव, और मैंने अपनी थोड़ी नई टी शर्ट पहनी है, मोर्स ने भी पहनी है ना, पहनी थी मुझे जहाँ to go.
तो मैंने ऐसी पहन ली कि मैं क्या चलो अभी बहुत टाइम हो गया ये मतलब पहनी ही नहीं शायद बेटा छोड़ दी मैं तेरे लिए उस दिन पहनने वाली थी मैं हां अच्छा तुझे पता था पहले ही इंट्यूशन हो गया था गाइस इसे कि हां लगने वाली है खाइयो ना दो लेना मुरे खाइयो ना दो लेना गाइस बहुत बढ़िया खाना था मैं तो ऑलमोस्ट फूड कोमा में पहुंच चुकी हूं बस इस समय सच्ची में इतना खा लिया ना कि मुझे लग रहा मैं भी फूड कोमा में जा चुका हूँ मैं इसे कह रहा हूँ मुझे लगता है ये तो मतलब नॉर्मल पानी में मोहितो बनाई हुई है भाई इससे मत पूछना कभी मोहितो कैसे बनती है पानी में मोहितो बनाती है इतनी अच्छी ड्रिंक थी कसम से मांगो मोहितो मतलब इतनी रिफ्रेशिंग थी और इसका एक्सप्लेनेशन देखो बस तू रेसिपी ना बताइए किसी को ठीक है सो गाइस पेट बहुत भर गया हमने बहुत बातें कर ली यहाँ का जो शेफ है और यहाँ के जो मैनेजर हैं दोनों इतने नाइस है ना हमने इतनी बातें की आई थिंक एक घंटा मतलब, हो गया हमें हम exactly. तो 10:30 रैप अप कर देते अभी कितना टाइम मतलब हो गया 11:30 कुछ हाँ आप पहली बार किसी नए इंसान से मिल रहे हो ठीक है हाँ बहुत अच्छा स्टाफ है और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें बताया रेस्टोरेंट के खाने के बारे में देखो मेन बात ये होती है कि आप जब किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो या तो मैनेजर अच्छा नहीं होता या शेफ अच्छा नहीं होता या वो वैसी नहीं बात कर रहे होते ठीक है प्रोफेशनल फाउंडेशंस वगैरह जो भी है बट मैनेजर पहले हमारी बाई चांस मैनेजर से बात हुई खुल के बातें हुई भाई साहब खुल के जितनी हो सकती हैं फिर बाई चांस हमने शेफ मिल गया हमें फिर आपको तो पता ही है मोड्स फिर तो ये लग गई मैं तो है ना खड़ा पीछे ड्रिंक पी रहा था और मोड्स ने ये बातें की और इधर तो रैप अप करने का टाइम हो गया था रेस्टोरेंट का तो हमें निकलना पड़ा और शेफ छोड़ नहीं रहा था वरना ना मैनेजर छोड़ रहे थे वो तो हमें लगा कि भाई हमारे चक्कर में हमने तो जाके हाँ हम तो खा पी लिए उन्होंने तो बेचारों ने अभी सब कुछ करना है बट चलो इसी के साथ हमें मजा आया तो चलो गाइस मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में तब तक के लिए शब्बा खैर do like subscribe share comment and do visit the restaurant bye bye